वेलकम स्टूडेंट्स आई एम अवंतिका फ्रॉम एरियस नॉलेज स्टेशन एंड वील टूडे स्टडी द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर टू जोग्राफी ऑफ क्लास टेंथ नाउ स्टूडेंट्स वट वी हैव स्टडी टिल नाउ इन दिस चैप्टर इज़ वट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी होती क्या है क्यों इम्पोर्टेंट होती है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए है ना और हमने क्या देखा था क्यों इतनी ज़्यादा स्पीशीज इन डेंजर एक्सटेंट हो रही हैं ऑल राइट और फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल हैं है ना कौन से थे फैक्टर्स इट इज़ द ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन ग्रीड इंक्रोचमेंट ओके ऑल दी थिंगस रिसोर्स को ओवर एक्सप्लोइ करना ये सब हमने पढ़ा था आज हम पेज एटीन का जो राइड एंड साइड टॉपिक है कन्जर्वेशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया यहाँ से बिगिन करेंगे बेटा बिकॉज वाई जब हमें टॉपिक पता है है ना किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम क्या है किसी इशू पे प्रॉब्लम क्या है वो हमें पता चल गया ना डिप्लीशन इतना सुंदर फॉरेस्ट होता है आप देखो कितनी ब्यूटी होती है ओके okay? और लॉकडाउन के टाइम में हम सब देख सकते हैं ना कि कैसे नेचर हील कर रहा है खुद को तो इतने ब्यूटीफुल रिसोर्सेज जब भगवान ने दिए हैं तो एज मैन काइंड मस्ट टेक केयर ऑफ़ दैम जुडिशसली यूज़ करें हर चीज़ ध्यान रखते हुए रिस्पेक्ट देते हुए ऑल सो right? so, बट हर कोई ये चीज़ नहीं समझ पाता है ना यू अग्री विद मी दैट इज़ वाई वी नीड टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ कंजर्वेशन है ना कंजर्वेशन कैसे की जाए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की क्योंकि बेटा फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ नहीं होंगे तो ह्यूमन बींग्स भी नहीं होंगे इट इज़ इंटरडिपेंडेंट चेन है ना पढ़ा था हमने चलो लेट अस बिगिन नाउ कंजरवेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज़ बिकम असेंशल हमें पता है क्योंकि बहुत रैपिड डिक्लाइन बहुत स्पीड से डिक्लाइन हो रहा है वाइल्ड लाइफ की पॉपुलेशन में और फॉरेस्ट में भी इस वजह से कंजर्वेशन हैज़ टू बी डन बट हमें कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है बिकॉज कंजर्वेशन है ना क्वेश्चन अराइज होता है दट वॉट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन तो हम कहेंगे इट प्रज़र्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन सब को ये प्रिजर्व करता है किस किस को वाटर एयर और सॉइल जो हमारा सपोर्ट सिस्टम है इसको ये बेटर करेगा कन्जर्वेशन नहीं तो है ना पानी कंटामिनेटेड आता है एयर पोल्यूटिड होती है सॉइल में भी आप देख सकते हैं वो फिट फॉर कल्टिवेशन नहीं होती है तो वो किस वजह से है क्योंकि ओवर एक्सप्लाइटेशन हो रहा है दैट इज़ वाई जो टर्म सबसे ज़रूरी है दैट इज़ कंजर्वेशन ठीक है अब ये कह कह रहे हैं इट इज़ इट ऑल्सो प्रिजर्व इट मतलब कंजर्वेशन इट ऑल्सो प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग है ना जो चीज़ की क्वालिटी बेटर होगी वही तो फिर मल्टीप्लाई होगी आगे तो खराब क्वालिटी होगी तो वो खराब ही रिजल्ट आएगा तो अब ये क्या कह रहे हैं एग्रीकल्चर में हम अभी भी डिपेंडेंट हैं ट्रेडिशनल क्रॉप वेराइटीज़ पर फ़िशरीज़ किस पे डिपेंडेंट हैं अगर हमें सबसे ज़रूरी क्या है वी हैव टू मेंटेन एक्वेटिक बायोडावर्सिटी आल्सो और नाइनटीन सिक्सटीज़ एंड सेवेंटीज़ में जो कन्ज़र्वेशनिस्ट थे उन्होंने डिमांड किया था एक नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम कि रूल बनेगा तभी लोग फॉलो करेंगे तो इस वजह से इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन नाइनटीन सेवेंटी टू रिमेंबर दिस ठीक है विच एक्ट इंडियन वाइल्ड लाइफ

और थ्रस्ट ऑफ़ द प्रोग्राम थ्रस्ट मीन्स ऑब्जेक्टिव मेन फोकस किस पे था टर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इन इंडेंजर स्पीशीज ठीक है इंडेंजर्स स्पीशीज की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना इस प्रोग्राम का एम था इस एक्ट का एम था और वो प्रोटेक्शन कैसे होता बाय ठीक है अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ठीक है वॉट वर द की फीचर्स तो आप लिखेंगे की टू प्रोटेक्ट एनडेंजर स्पीशीज बाय बैनिंग हंटिंग और अगर ऐसा नहीं होता तो गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स ठीक है वहाँ रूल इम्पोज इं, कर देना कि अगर कोई रूल नहीं मान रहा है तो फिर दैट पर्सन विल बी लीगली पनिश्ड ओके रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ तो ये सारी चीज़ें बनाई गई इन दैट एक्ट और उसके साथ के साथ बेटा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स ने इस्टेब्लिश किए नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचूरीज जिसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ठीक है तो ये इसलिए डिक्लेयर किया जाता है जिससे कि प्रोटेक्शन मिले ओके सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किए सेवरल प्रोजेक्ट्स जिससे कि एनिमल स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाए जो स्पेशली थ्रेटन थे ग्रेवली थ्रेटन का मतलब होता है सीरियसली थ्रेटन और इनमें कौन कौन से थे टाइगर वन हॉर्न डाइनासोरस द कश्मीरी स्टैग हंगुल भी बोला जाता है तीनों टाइप के क्रोकोडाइल्स ठीक है और घड़ियाल एशियाटिक लाइन और कुछ और स्पीशीज रिसेंटली इंडियन एलिफेंट ब्लैक बर्ग ग्रेट इंडियन बस्तर और स्नो लेपर्ड को भी फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन मिला है ठीक है अगेंस्ट हंटिंग है ना बहुत लोग हंटिंग करते थे बेटा जस्ट फॉर देयर पेटी प्लेजर्स आई वुड से बट ये ठीक नहीं था और इस एक्ट ने रिकॉग्नाइज किया और इस पर बैन लगाया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपने सुना भी होगा इसका क्या एम है बताते हैं हम टाइगर जो वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज है पूरे फोनल वेब में 1973 में अथॉरिटीज ने रियलाइज किया कि टाइगर पॉपुलेशन है तो क्या देखा गया डिंडल मतलब बिल्कुल ड्रॉप कर जाना कितने कम हो गई ये नंबर्स इस वजह से थ्रेट रिकॉग्नाइज किए गए कि किन चीज़ों से थ्रेट है टाइगर पॉपुलेशन को तो उसमें पाया गया ये सारे फैक्टर्स कि पोचिंग होती है ट्रेड के लिए इलीगल जब हम हंटिंग uh, करते हैं या इलीगल सेल करते हैं ठीक है श्रिंकिंग हैबिटेट वही फॉरेस्ट का कम होना डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस स्पीशीज मतलब दूसरे स्पीशीज़ भी कम हो गए ना फॉरेस्ट कटने की वजह से ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन ह्यूमंस लैंड क्लियर कर रहे हैं ख़ुद को वहाँ पर सेटअप कर रहे हैं तो इनका हैबिटेट कम हो रहा है और ट्रेड होता है टाइगर स्किन्स का उनकी बोन्स का यूज़ होता है मेडिसन्स वग़ैरह में तो इस वजह से टाइगर्स आर ऑन द वॉर्ज ऑफ़ एक्सटिंक्शन और इंडिया और नेपाल में अबाउट टू थर्ड्स टाइगर पॉपुलेशन है तो इस वजह से इंडिया और नेपाल में सबसे ज़्यादा पोचिंग और इलीगल ट्रेडिंग होती है ठीक है तो इस वजह से ये जब प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज हो गई तो प्रोजेक्ट टाइगर को वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स बनाया गया और लॉन्च किया गया था कब इन 1973 सो इफ द क्वेश्चन राइज वेन वॉज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च सो यू हैव टू रिमेंबर दट दैट इज 1973 और टाइगर कंजर्वेशन को सिर्फ इंडेंजर स्पीशीज को बचाने का एक कदम नहीं है पर इसका मतलब है कि सारे जो पार्क्स पार्क्स हैं नेशनल पार्क्स पूरे ऑल ओवर इंडिया सभी को इम्पोर्टेंस मिले इक्वल इम्पोर्टेंस मिले ठीक है अब हम कह सकते हैं बेटा जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी पे ये नहीं कि एक या दो या चार स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करें पर सारी बायोडाइवर्सिटी पे ही ध्यान दिया जाए क्योंकि वॉट इज द रीजन इसमें भी वाई पूछा जा सकता है तो द रीजन इज बिकॉज बायोडाइवर्सिटी इज एन इंटरलिंग प्रोसेस ये इंटर डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर दैट्स वाई सो इस वजह से अब और ज्यादा इंटेंसिव सर्च होता है कि कैसे कंजर्वेशन मेथड्स को अप्लाई किया जाए एंड इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स आर बिगनिंग टू फाइंड अ प्लेस इन कंजर्वेशन प्लानिंग ठीक है हम छोटे से छोटे इंसेक्ट्स तक पे ध्यान देंगे क्योंकि अगर पूरे प्रोसेस में वो इंटरडिपेंडेंट हैं तो किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए और एक नोटिफिकेशन आया था इसी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1980 और 1986 के अंडर में जिसमें सेवन हंड्रेड बटरफ्लाइज़ मॉथ्स बीटल्स और वन ड्रैगन फ्लाई को भी ऐड किया गया इन द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज ठीक है तो हम ये देख रहे हैं इसमें समझ के आ रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर स्पीशी पे नहीं फोकस कर रहे हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीशीज़ को डाल रहे हैं जिससे कि हम पूरे इन्वायरमेंट को सेव कर पाएँ और पहली बार ऐसा हुआ था इन 1991 नाइन्टी की प्लांट्स को भी इस लिस्ट में डाला गया अभी तक तो एनिमल्स इंसेक्ट्स ठीक है सिर्फ फ्लोरा को डाला जा रहा था सॉरी फोना को डाला जा रहा था बट फर्स्ट टाइम 1991 में ऐसा हुआ कि फ्लोरा दैट इज़ प्लांट स्पीशीज़ को भी इसमें जगह मिली नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स तो हम ये देखेंगे कि गवर्नमेंट कैटेगराइज कैसे करती है डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट को सी अगर हर कोई चाहता है कि कंजर्व करें या फिर ना काटें बट इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है बेटा कि कैसे मैनेज किया जाए कैसे कंट्रोल किया जाए कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस वजह से इंडिया में अगर हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की बात करते हैं तो या तो उसे गवर्नमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के थ्रू मैनेज करती है या फिर कोई ना कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है ठीक है मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं स्पेशल इन फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए और इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं फॉरेस्ट की देखिए सबसे पहली जो कैटेगरी है ये इंडियन गवर्नमेंट की कैटेगराइजेशन है बेटा फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है कि आधे से ज़्यादा जो टोटल फॉरेस्ट है उसको हमने डिक्लेयर कर दिया है रिजर्व फॉरेस्ट क्यों उनको रिजर्व किया गया है बिकॉज दे आर मोस्ट वैल्यूएबल ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैं इस वजह से इनको रिजर्व कर दिया कि इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी ओके सेकेंड टाइप ऑफ कैटेगरी है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट जो वन थर्ड ऑफ टोटल एरिया है फॉरेस्ट एरिया उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया है मतलब अभी तक तो ठीक है ट्रीज़ को काटा गया है बट आगे कोई भी डिप्लीशन नहीं होगा ठीक है प्रोटेक्ट कर लिया अगर आपने एक बार देख लिया कि प्रॉब्लम है और उसके बाद आपने उसे प्रोटेक्ट कर लिया थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी है अनक्लास फॉरेस्ट अनक्लास वो फॉरेस्ट होते हैं जो बहुत रिच नहीं होते वैसे तो या वेस्ट लैंड्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट या प्राइवेट इंडिविजुअल या कम्युनिटीज को भी बिलोंग कर सकते हैं तो अनक्लास्ड फॉरेस्ट हैं ठीक है ठीके? तो अगर हम पूरे इंडिया की बात करें जहाँ भी फॉरेस्ट हैं या तो वो फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होगा या तो वो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट होगा और या फिर वो फॉरेस्ट होगा अनक्लास्ड फॉरेस्ट ठीक है तो तीन कैटेगरीज को आउटलाइन किया गया तो रिजर्व और प्रोटेक्टेड दिख ही रहा है नाम से भी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं और इनको परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट बोला गया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टेम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ठीक है तो यूज अगर होगा तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के हैं और ये कैटेगराइज किया गया कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्मानेंट फॉरेस्ट हैं ठीक है जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश उत्तराखंड केरला तमिलनाडु वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट हैं ठीक है फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा कैटेगरी किस फॉरेस्ट की? की है रिजर्व फॉरेस्ट की है जबकि Uh, बिहार हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश उड़ीसा एंड राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल ठीक है right? तो पर्मानेंट फॉरेस्ट कहाँ है मध्य प्रदेश में और रिज़र्व फॉरेस्ट कहाँ पे हैं इन सब स्टेट्स में और प्रोटेक्टेड कहाँ पे हैं बिहार हरियाणा पंजाब इन सब स्टेट्स में ठीक है अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बेटा और कुछ गुजरात के कुछ एरियाज़ की तो वहाँ देखा गया है कि वहाँ पे अन फॉरेस्ट ज़्यादा हैं ठीक है ठेके? और उनको कौन मैनेज कर रहा है अन हमने बोला था ना अन में क्या है कम्युनिटीज़ का भी ओनरशिप हो सकती है और गवर्नमेंट की भी ओनरशिप हो सकती है तो वहाँ पे उनको मैनेज किया जाता है बाय द लोकल कम्युनिटीज़ और ये एक फैक्ट है कि हर जगह गवर्नमेंट ऑफिशल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है फ़ॉरेस्ट को मेनटेन करने के लिए कम्युनिटीज़ की भी है और कम्युनिटीज़ किस लिए क्योंकि कम्युनिटीज़ uh, एक पार्ट ऑफ़ लाइफ बना लेती हैं ठीक है फॉरेस्ट को वो अपनी पार्ट ऑफ लाइफ बना के और उनका ध्यान रखती हैं देखिए अब हम देखेंगे इसमें कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन कंजर्वेशन स्ट्रैटजीज़ ये नहीं है कि 1973 या कभी बाद में पता चली पहले से ही कंजर्वेशन स्ट्रैटीज़ चलती आ रही हैं स्पेशली इन आर कंट्री ठीक है country, इंडिया में हम बात करें कि फॉरेस्ट ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ का घर जैसे रहे हैं है ना आदिवासी वगैरह सब फॉरेस्ट में ही रहते आए हैं तो कुछ एरियाज़ जो हैं इंडिया के वहाँ कम्युनिटीज़ आज भी स्ट्रगल कर रही हैं कि हम इन फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें ठीक है स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिज हैबिटेट्स अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रिकोगनाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड उन्हें ये पता है कि इसी स्ट्रैटेजी से उनका भी जीवन बच पाएगा यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल गिवन है ठीक है अगर क्वेश्चन आता है अबाउट कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन तो आप विद एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कैसे सर्स का टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में विलेजर्स ने फाइट किया है अगेंस्ट माइनिंग की वो वहाँ पे माइनिंग अलाउ नहीं करेंगे और उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को भी एग्जाम्पल की तरह यूज़ किया है कुछ एरियाज में विलेजर्स खुद प्रोटेक्ट करते हैं हैबिटेट्स को और गवर्नमेंट का भी इन्वॉलमेंट अलाउ नहीं करते हैं वो कहते हैं कि ये हमारी कम्युनिटी से हमारे कल्चर से रिलेटेड है ओके okay? और अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में उसके फाइव विलेजेस के लोगों ने ट्वेल्व हंड्रेड हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट को भैरो देव दाकर सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है ठीक है गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें उन्होंने खुद ही उसको भैरो देव दाकर सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है वहाँ पे उनके ख़ुद के रूल्स हैं खुद के रेगुलेशन हैं और वो हंटिंग और ये सब अलाउ नहीं करते हैं तो आप देख सकते हो जब कम्युनिटी है ना एक कलेक्टिव एफर्ट होगा तो ज़रूर सक्सेस मिलता है ठीक है तो कम्युनिटी का ये एक एग्जाम्पल है और आप देख सकते हैं सेक्रेट ड्रोव्स अ वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज सेक्रेड जैसे नाम से ही बता रहे हैं बेटा सेक्रेट होता है कोई चीज़ जो प्योर हो है ना प्रोटेक्टेड हो और ग्रोव्स होते हैं दोज वैरायटी ऑफ प्लांट्स, विच आर नॉट कल्टिवेटेड जो अपने आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि नेचर वर्शिप अगर आप इंडियन हैं तो आप ये समझ पाते होंगे कि नेचर वर्शिप बहुत एक एसेंशियल पार्ट रहा है हमारे वे ऑफ लाइफ का और यही चीज़ बता रखी है कि ट्राइबल बिलीफ भी है ये और ये क्या मानते हैं कि हर चीज़ जो भगवान की रचना है उसको प्रोटेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट ओके ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड और इस वजह से सच बिलीव्स हैव वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड सेक्रेट ग्रोव्स तो वॉट आर सेक्रेड ग्रोव्स जो वर्जिन फॉरेस्ट हैं उनको आज तक किसी भी इंक्रोचमेंट uh, और इन सब से बचा के रखा हुआ है, है ना उनका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है तो प्रस्टीन फॉर्म अपने ओरिजिनल फॉर्म में है वो उनको कहा गया है सेक्रेड ग्रोव्स और सेक्रेड क्यों उनको देवी और देवता का रूप माना गया है दे बीन लेफ्ट अनटच बाय द लोकल पीपल और किसी भी इंटरफेरेंस की कोई जगह नहीं है ठीक है समझ आ गया सेक्रेड ग्रोव्स ना सर्टन सोसाइटी पर्टिकुलर ट्री कई कई सो, सोसाइटीज़ में अलग अलग जगह ये होता है बेटा वो किसी ना किसी एक पेड़ की पूजा करते हैं जैसे छोटा नागपुर एरिया के बता रखा है लोग कौन लोग मुंदाज और संथल्स वो महुआ की पूजा करते हैं कदम्ब ट्री की पूजा करते हैं जो उड़ीसा के ट्राइबल्स हैं बिहार के ट्राइबल्स हैं वो क्या करते हैं वो टैम्रिंड और मैंगो ट्रीज़ की पूजा करते हैं शादियों के टाइम में और आप हाँ देख सकते हैं नॉर्दर्न इंडिया में भी पीपल बैनियन ट्रीज़ वग़ैरह को काफ़ी सेक्रेड माना जाता है ये माना जाता है कि कैसे दे आर समवेयर रिलेटेड टू गॉड एंड गॉडस ओके सो इंडियन सोसाइटी हमेशा से ही कंप्राइज करती है अलग टाइप के कल्चर्स की जिनके अपने ही ट्रेडिशनल मेथड्स हैं टू कंजर्व नेचर ओके और सेक्रेड क्वालिटीज़ आर ऑफन एस्क्राइब टू स्प्रिंग्स हम क्या करते हैं uh, नदी को माउंटेन पीक्स को प्लांट्स एनिमल्स उनको हम भगवान से अटैच कर देते हैं ना सेक्रेट क्वालिटीज मानते हैं और फिर उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं इजी हो जाता है प्रोटेक्ट करना जब हम उनको सेक्रेट मानने लग जाते हैं जैसे तुलसी प्लांट है ना तो यू विल फाइंड ट्रूप्स ऑफ मेकॉक्स एंड लंगूर्स अराउंड मैनी टेम्पल्स होता है ना उनको जान जब मतलब डेली बेसिस पे खाना खिलाया जाता है क्योंकि उन्हें भी टेम्पल डिवोटीज का ही पार्ट माना जाता है या किसी गॉड से उनको रिलेट किया जाता है राजस्थान के बिश्नोई विलेजेस के आसपास ब्लैकबर्ग नील गाय पी को बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप देख सकते हैं क्योंकि उनको कम्युनिटी का ही पार्ट माना जाता है भगवान का रूप माना जाता है एंड देर नो वन हार्म्स देम तो ये चीज़ें क्या थी ये थी कि कम्युनिटी के क्या एफ़र्ट्स हैं टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट अब आपने सुना होगा अबाउट चिपको मोमेंट ये चिपको मोमेंट हिमालज में हुआ था और इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन को रजिस्ट किया गया मतलब डिफॉरेस्टेशन कम हुई बहुत एरियाज़ में और ये देखा गया कि जो कम्युनिटी एफॉरेस्टेशन होती है उस वजह से इंडिजिनस स्पीशीज भी सक्सेसफुल हो गई मतलब पेड़ नहीं काटने दिए गए और ऐसी ऐसी स्पीशीज थी बहुत रेयर थी उनका भी जो रेट था सक्सेस रेट वो बढ़ गया है ना जब पेड़ नहीं काटने दिए गए तो फिर वो अच्छे से लगे रहे और टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स ये होते रहते हैं टाइम टू टाइम इकोलॉजिकल फार्मिंग के मेथड्स डेवलप किए जा रहे हैं और बीज बचाओ आंदोलन जो टिहरी में हुआ था और नवदन्य ये आंदोलन ये सब होते रहते हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि कैसे कम्युनिटी हेल्प करती है और सिंथेटिक केमिकल्स के यूज़ के बिना भी हम अच्छा खासा क्रॉप प्रोडक्शन कर सकते हैं ठीक है इंडिया में एक और चीज़ है बेटा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज जेएफएम तो आपको पता होना चाहिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इसका नाम है जिससे लोकल कम्युनिटीज़ ने बहुत अच्छा मैनेजमेंट और रिस्टोरेशन किया है डिग्रेडेड फॉरेस्ट का जॉइंट नाम ही जॉइंट है ना दैट मीन्स अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे डिग्रेडेड फॉरेस्ट को मेंटेन किया है ये प्रोग्राम स्पेशली आया था के स्टेट में सबसे पहले इन 1988 और जे एफ एम किसपे डिपेंड करता है कि लोकल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाते हैं गाँव में एरियाज में और हर एरिया के लोग प्रोटेक्शन एक्टिविटीज़ को अंडरटेक करते हैं और जुट जाते हैं कि कैसे उन्हें फॉरेस्ट को फॉरेस्ट लैंड्स को मैनेज करना है और क्या कर क्या होता है बेटा ऐसा नहीं है कि आ, ये कर रहे हैं और इनके एफर्ट्स को कोई वो नहीं मिल रहा रिकॉग्निशन इन मेंबर्स को सी द मेंबर्स ऑफ दिस कम्युनिटीज आर एंटाइटल टू इंटरमीडरी बेनिफिट्स लाइक नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इनको क्या अपने अच्छे काम के बदले में इनको उन फॉरेस्ट के प्रोड्यूस दिया जाता है ओके okay? क्योंकि ये सक्सेसफुल प्रोटेक्शन का पार्ट होते हैं इससे हमें क्लियरली पता चलता है बेटा कि कैसे एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन के लिए भी और रिकन्स्ट्रक्शन के लिए भी ह्यूमन बीइंग्स से ज़िम्मेदार हैं ठीक है और लोकल कम्यूनिटीज़ को इन्वॉल्व करने से अच्छे से अच्छा रिजल्ट हमको मिल सकता है ओके okay? हर तरह का नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट हो सकता है बट स्टिल बहुत एक लंबा पाथ है जब हमें डिप्लीशन को रोकना पड़ेगा है ना अभी तक पूरी तरह डिप्लीशन नहीं रुका है देर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन डिसीजन मेकिंग एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इकोनॉमिकली रिवॉर्डिंग तो ये लास्ट लाइन बड़ी अच्छी कहा कही हुई है कि हमें वही इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ परस्यू करने चाहिए या अलाउ करने चाहिए जिसमें सबका भला हो लोगों का भी एनवायरमेंट का भी और इकोनॉमिकली भी वो अच्छे हों ऑल राइट सो इट इज़ ऑफ अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट वी कीप इन माइंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल द स्पीशीज वाइल टेकिंग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स सो स्टूडेंट्स प्लीज रीड द चैप्टर केयरफुली मार्क द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है एंड मेक द आंसर्स इन पॉइंट्स